मेरी दादी हॉस्पिटलाइज थी और मुझे अचानक से ये बात पता लगी कि दादी हॉस्पिटलाइज है। मेरा दादी से बड़ा लगाव है। मैं सोकर उठा था सुबह सुबह, मैंने अपनी चाचा के लड़के को बड़ा घबराहट में देखा, तो मैंने पूछा तो वो मुझसे ज़्यादा बातें बताते नहीं है परिवार की, भाई को टेंशन हो जाएगी, काम वाम करते हैं, 10 तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैंने फिर भी जानना चाहा, उसने बताया माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उस टाइम पर बस एक ही चीज़ महसूस हुई कि माँ के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मेरी दादी के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं फटाफट से हॉस्पिटल में पहुंचा और मैंने उन जिस कंडीशन में उनको देखा वेंटिलेटर पे, मैं रोने लगा वहाँ पे। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, कुछ भी जान लगा दो, आप इनको बचा लो। उसने कहा अमित नहीं यार, बहुत मुश्किल चांस है। तो अभी मैं घर पे गया तो घर पे रोआ राट मचा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादी के बहुत करीब हैं सब, दादी का संघर्ष सबने बहुत देखा है।